लास्ट व्लॉग में कहा था कि मेघना आ जाती है, आएगी, जरूर आएगी, मिलने आएगी हमसे, और मेघना आ चुकी है। यही तो अभी हम जा रहे हैं। बेसिकली मोहित का बर्थडे है तो मेघना सरप्राइज करने आई है और हम सब मोहित को सरप्राइज कर रहे हैं। हम जा रहे हैं मोहित के बर्थडे के लिए कुछ मोहित के लिए गिफ्ट लेने और कुछ शॉपिंग करने। तो अभी हम पहले कुछ नहीं है पहनने के लिए। गाइस हम अभी हैं ट्रायल रूम में, हमें शर्म आ रही थी ज़ारा में। ओके हमें शर्म आ रही थी ज़ारा में कैमरा खोलने में। तो अभी हम ट्रायल रूम में एक साथ कपड़े ट्राई करने के हम कल पार्टी में क्या पहनेंगे। हाँ तो आप हमारे साथ देख सकते हैं कि हम क्या पहनेंगे, बने रहिए। Hi guys, welcome back to It's too much. ये हमारा day 2 of finding something good for us and for Mohit, क्योंकि हमें कल कुछ नहीं मिला। कल हमें body dysmorphia हो गया, इसको भी हो गया, मुझको भी हो गया। इसको नहीं हुआ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा बेसिकली। मैं ऐसी चीज थी कि मैं एक बार पहनती हूँ, उसके बाद नहीं पहनती। आज मैं और मेघना देखेंगे, मेघना की ड्रेस भी लेके जा रहे हैं। अगर H&M में कुछ अच्छा मिलता है और मेघना को पसंद आता है, बाई चांस हो जाता है। और मोहित के लिए भी हमें बहुत चीजें लेनी है और हमें डेकोरेशन भी करनी है, तो हम सब दिखाएंगे। अभी हम निकलते हैं, चलो बाय बाय। गाइस मुझे अपने लिए कुछ नहीं मिला और मुझे मोहित के लिए भी कुछ नहीं मिला, बट मेघना ने एक गिफ्ट ढूंढा है मोहित के लिए। मेघना ने ले लिया है कुछ मोहित के लिए। एक्चुअली हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या ले, हमने बहुत ढूंढा और हमने ना लेजिट ऑलमोस्ट हमारे बजट में था वो हर एक स्टोर पे हम गए, बट वी कुडंट फाइंड एनीथिंग। जैसे देख के ऐसा लगे ना ये ही लेना है। हाँ तो हम दोनों ने हम ऐसे ही बोल रहे थे यार चल यार कॉफी पिला दे इससे अच्छा। तो अभी तो मैंने सोचा यू नो ही लाइक स्टारबक्स, हमने कप लिया है एंड देन उनके लिए एक कॉफी का कॉफी है, डार्क कॉफी है। हमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मेघना ने गिफ्ट ले लिया है, मैं मामा को दे दूंगी। मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं उनको क्या दूं। तब तक के लिए हम जा रहे हैं, अभी कुछ डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे हैं, वो लेके हम जाएंगे हर्ष भाई के घर। हर्ष भाई के घर पे डेकोरेट करेंगे या जो भी होता है वो करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे वापस और हेड वॉश करवाना है मुझे। मेघना के लिए नहीं कराया, मैं करवा दूंगी। मुझे हेड वॉश करवाना है बस, उसके बाद फिर हमें रेडी होना है। फाइनली हमारा डेकोरेशन का भी सॉर्ट हो गया। पहले हम सोच रहे थे हम खुद करेंगे, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं, टाइम ही नहीं बचा। तो हमने एक दो शॉप पे जाके पूछा। एक भैया हमारे जो सामने खड़े वो कहते हैं 10,000 में आपका पूरा हो जाएगा। बोलते 10,000 लगेगा। और हमें इतना कुछ करवाना नहीं था, लेजिट कुछ बहुत ज्यादा नहीं करवाना था। इट्स वेरी लाइक सिंपल, क्योंकि मोहित बहुत सिंपल आदमी है, तो ही लाइक समथिंग लाइक रियली सिंपल। तो हमने ना उस हिसाब से चूज करा था। उसके याद भी 10,000 रुपीज़ और वो हमें कहीं और बेटर अमाउंट में मिल गया। तो अभी जब वो होगा रेडी आई लेट यू नो क्या मैं दिखाऊंगी। एंड आपसे शाम में मिलते हैं। 80 मिनट्स लेटर हमने सोचा था हम यहाँ करेंगे, बट इस दीवार पे मतलब हमने डेकोरेशन सोची थी इधर करवाएंगे, लेकिन इस दीवार पे ना चिपक नहीं रहा है। तो मेघना ने कहा कि इधर करवा लेते हैं। ये हर्ष भाई की हमारी छत है। कैसे बैलून लगा देंगे? हाँ 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 ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, वो बढ़िया ये बढ़िया। बल्कि डेकोरेशन यहाँ पूरा बैलून और बहुत सुंदर लगेगा। और ये पूरा एरिया टेबल भी है। हाँ टेबल भी है, ये बेस्ट है पर सुंदर कर देना नीचे भी कुछ बैलून लगवा। हाँ 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 पूरा वैसे करेंगे भैया। कलर्स क्या लाए हो आप? ब्लैक लाया ना, ठीक है। सिल्वर नहीं है? नहीं मैंने बोला था ब्लैक और सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन। हाँ तो अगर ये लग जाएगा तो ये ज्यादा नहीं दिखेगा? बाकी ये भी ब्लैक गोल्डन में ही है। नहीं ब्लैक गोल्डन नहीं, ब्लैक और सिल्वर बोला था मैंने स्पेशली। तो अभी हम यहाँ पे लिखवाएंगे हैप्पी बर्थडे और यहाँ पे बलून्स लगेंगे, यहाँ पे बलून्स लगेंगे, पूरा हटेगा। यहाँ पे सिर्फ एक टेबल रहेगी और बलून होंगे और मिथुन होगा। गाइज ये स्टंट हम देख रेख में कर रहे हैं, मेरे और मेघना और रियो की रियो और मिथुन की। तो ये आप मत करिए। Yeah.
हमें रेडी होना था। अभी हम बहुत बुरे लग रहे हैं क्योंकि हम रेडी हो रहे थे, मतलब रेडी करवा रहे थे। यार हम चीजें रेडी नहीं करवाते तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग रेडी हैं देखने के लिए कि हमने कैसा तैयार किया है? इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। हमारी तरह चीजें दिखा दो यार अच्छे से। ये इसमें बस चला नहीं जा रहा, बाकी सब ठीक है। ओ नाइस, ये बैग बहुत अच्छा लग रहा है आपका मिंगना। थैंक यू सो मच। तो ये है हमने जो थोड़ा बहुत सजवाया मोहित के लिए और ये बहुत सुंदर लग रहा है, प्रॉपर उनकी वाइब है। हैप्पी बर्थडे सिल्वर में वाइट एंड ब्लैक, और हमारा केक भी क्या है? ब्लैक, ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक। बस वो भी आने वाला है और उसके बाद थोड़ी देर में सब आने वाले हैं, हम सबसे मिलवाएंगे, मेघना मिलवाएगी सबसे। अरे रिजुल तो आई रखा है, कॉल पे लगा था ना हमारा। हम आ चुके हैं, हर्ष भाई नीचे रेडी हो रहे हैं और रिजुल आ चुका है, सबसे सिंसियर लड़का हमारे ग्रुप का। 10 मिनट पहले आ गया वो, पहला बंदा था वो। नहीं वैसे 8 बजे का टाइम था वो, मेरे को पता था ना आप लोग कैसे हैं। जैसे कि कोई आया नहीं है और हम तीनों बैठे हुए हैं और अभी अनमोल निकला हुआ है, सबसे बात हो गई है, सब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं आराम आराम से। तो तब तक हम गाने बजाएंगे और हमारा कॉन्सर्ट चलेगा, क्यों मेघना? चलिए शुरू करते हैं। हमारे हर्षु भैया रेडी हो गए, एक बार इनका लुक देख लीजिए। ये लुक क्यों रखा है? ये लुक मैंने क्यों रखा, क्योंकि मैं सोच रहा था थोड़ा मर्द वाला लुक रखूं, मैं मर्द बन गया हूँ, मैं सोचा वो रखूं। मजाक सेट किया, रणवीर सिंह वाला लुक रखा मैंने, वो रील बनाई थी ना उसके लिए। ब्रिटिश के वो नहीं होते, वो जो फौजी होते हैं ब्रिटिश वाले, मैंने लुक भी वैसे रखे, बूट वूट पहन के। ओ तेरी, ये 15 मिनट के लिए पहन रहा हूँ। आपने कपड़े क्यों नहीं पहने ये बताओ? तो पहने नंगे क्यों नहीं पहने? ओ भाई, अरे नंगे क्यों नहीं पहने? ये क्या बात हो गई यार। सीन अभी ये है कि सब आ गए हैं, सब नहीं आ गए मतलब मोहित आ गए और कौन से आ जाओ, मोहित आ गए, कौन नहीं आया? मोल नहीं आया, जैगो और मिलन भाई नहीं आए, प्रिया नहीं आई, पूरा विलेन भाई कोई भी नहीं आया। अभी हम लोग हैं जो मोहित से प्यार करते हैं। द ऑर्गेनाइजर हेलो, जीजू क्यों नहीं आया? यार उन्होंने बोला कि तूने बहुत लेट मैसेज किया, वो नहीं आया यार। मैंने तो तभी मैसेज कर दिया था जब आपको मैसेज किया था। वो थोड़ा ना उनका नेचर थोड़ा ऐसा है। अरे नीचे है ना, क्योंकि नीचे थोड़ा ऐसा हो गया है, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रही थी, मैंने कहा शायद ऐसा हो रहा है, मैं कोशिश कर रही थी ये मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हुआ, क्या जस्ट वो क्या वो नीचे तो मौत नीचे ले गया। क्योंकि मैंने ना, मैं भैया इकलौते इंसान है जो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना। मिलने बोला है? हाँ। मेरा पति यार, वाह, मुझे नहीं बोला मुझे ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया तो मैं ऐसे भी। हमारे बाकी के गेस्ट भी आ चुके हैं, यही हेलो। शर्म आती है क्या हो गया? कितना लेट आए हो तुम? एक्सक्यूज मी, VIP एंट्री होती है लेट। चुप हो यार, चुप, कितना लेट आया। हाय, कैसे हो? सॉरी। हाँ क्या? कितना लेट आया। कोकेन लाने में टाइम लग गया। तू दे, तू दे, तू दे, तू दे, स्मैश, स्मैश, पता ही नहीं था हम तेरे को नीचे मिले ही नहीं है ना। तेरे को पार्टी हो रही है यार, मुझे तो गाड़ियां दिखाई नहीं, ब्लाइंड फोल्ड आया था। तू क्या बोला घूम रहा है? तू मेरे को बोल रहा है तू तो देख ले, वही तो कह रहा हूं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मॉम, हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you.